सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ में मिलकर व्यास जी के सहित माँ की प्रार्थना की। उसी वक्त माता ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मागो व्यास जी, यहाँ तक क्यों आए आप? यात्रा, इतनी लंबी यात्रा क्यों की आप? बोलिए। तब व्यास जी ने बताया कि माँ, पिताजी का गुणगान तो मैंने बहुत गाया, अब मेरी माता रानी का गुणगान गाना है, तो मेरे को ऐसा शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करो ना माता, कि मैं आपका चरित्र का शब्दांकित कर सकूं, आपके चरित्र को मैं लिख सकूं। जब ऐसी बात बताई ना, तो माता रानी मंद मंद मुस्कुराई, और माता रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन अपना जो दायां पांव था ना, वो दायां पांव थोड़ा ऊंचा कर, थोड़ा अपना दायां चरण ऊंचा करा। उसी वक्त वो दाई चरण में से स्वर्ण के जो पंकज थे, स्वर्ण के पद्म कमल का जो फूल था ना, इस स्वर्ण के कमल के फूल पर एक सुंदर सा ग्रंथ हो स्वर्ण के अक्षरों से लिखा हुआ था। एक के बाद एक, एक के बाद एक पृष्ठ फिरने लगा। उसी वक्त व्यास जी ने पूछा कि माँ, ये कौन सा ग्रंथ है? माता रानी ने कहा, सुनो व्यासी, 100 करोड़ में लिखा हुआ ये देवी पुराण का ग्रंथ है। किसने लगा? माने कहा, मैंने इस ग्रंथ के स्वरूप में मैं प्रकट हुई हूँ, इसका लेखाकृति कोई नहीं है, इसका लेखक कोई नहीं है, ये अपुरुषय ग्रंथ है, और मेरे विभूति में से ये प्रकट हुआ ये देवी पुराण का ग्रंथ है।